नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद। धार्मिक और राष्ट्रीय एकता का संदेश देती तिरंगे के रंग में रंगी कांवड़ यात्रा उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची। कांवड़ियों ने भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद 21 फीट का तिरंगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम कलेक्टर को सौंप दिया। सावन के महीने में देश भर से श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हुए महाकाल मंदिर पहुँच रहे हैं। इसी सिलसिले में इंदौर के तलावली चांदा गांव से कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा निकालते हुए धार्मिक एवं राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश की। बोल बम के जयकारों के साथ निकलने वाली ये कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। हम कांवड़ यात्रा यूं तो 2007 में पहली यात्रा निकाली थी, पर उस समय मेरे सहयोगी लोग इतने मजबूत नहीं थे, पर अभी निरंतर हम पिछले 4 सालों से निकाल रहे हैं। ये 5वीं कांवड़ यात्रा है तलावली चांदा से जो उज्जैन जाती है। इस वर्ष इसमें करीब 1200 पुरुष और 600 महिलाएं हैं। यह एक धार्मिक के साथ राष्ट्रीय योग्यता के लिए बनाया गया है। हमने एक धार्मिक यात्रा के साथ हमने इस साल जो 5वां साल हमारा, ऐसे तो 2007 से यात्रा निकाल रहे हैं हम, लेकिन 2017-18 की यात्रा जो निकाल रहे हैं हम, उसको एक राष्ट्रीय यात्रा के नाम से हम उद्देश्य से निकाल रहे हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो अलग अलग पिछड़े हो रहे हैं उसको राष्ट्रीय एकता में जोड़ने के लिए बनाया गया है। ये तलावली चांदा से उज्जैन तक की यात्रा है जो लगभग 65 किलोमीटर की यात्रा होती है। उज्जैन से सुदर्शन सोनी, न्यूज आज। और अभी तक के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।